नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज जो है हम यार्ड पे कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम उपयोग करने वाले हैं जेसीबी मशीन का हमारी। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ दिन पहले थोड़ी सी खुदाई करवा के एक जगह तैयार करी थी जिससे हम रैंप बना पाएँ और मतलब हमारी गाड़ियों को लोड कर पाएँ। ये ऐसे हमारे पास पत्थर रखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो हमने ये साइड से ये जगह काटी थी ताकि यहाँ पे जो है हमारा डंपर खड़ा हो जाए और बड़ी आसानी से हम उसको मशीन से लोड कर पाएँ। ये पत्थर यहाँ किनारे से दबाएंगे ताकि मशीन जो है माल भर के लाए तो अच्छे से खड़ी हो पाए। और कुछ समय पहले, लगभग एक दो साल पहले, हमने ये जो है रैम बनाया था। ये हम उपयोग नहीं करते हैं अब, इसलिए इसको मिटा रहे हैं और ये वाले पत्थर हम वहाँ जमाएंगे। तो सबसे पहले ये पत्थरों को हटाना पड़ेगा साइड में और ये जो मिट्टी है इसको हम एक तरफ कर देंगे। तो भाई मशीन आ गई है, अब इसको हटाना है, लेकिन यहाँ पे खड़ा हुआ है डंपर। ये जो आवाज आ रही है ना, ऐसे बहुत अजीब होती है। ऊपर खड़े रहना बहुत रिस्की है, सांप वाप कुछ भी निकल सकता है। आसे भाई चाबी लेके आना, चाबी। इसको वहां लगा दो, कल्टीवेटर है ना अपना, वहां। इसमें भी हमारी बहुत सारी रेत दबी हुई है और इसको अपन वहां लगवा दे रहे हैं ताकि मशीन को इधर उधर होने में आसानी हो। ऐसी लगा दो, ऐसी। तो भाई इस रैम में से जो मिट्टी निकली है वो यहाँ पे हम डलवा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पहले से ही थोड़ी सी नीची जगह है तो पानी वानी आता है तो यहीं रुकता है, तो कीचड़ हो जाती है इतनी जगह पे, देख रहे हो आप। तो ये कीचड़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे इतना काम हो गया है, ये लोगों ने पत्थर जमा दिए और थोड़ी सी मिट्टी डाल दिए। अब इससे क्या होगा, आसानी से जेसीबी भर देगी, बस ये लाइन ऊंची करना है हमको।
अरे भाई बैग खाली करना। तो दोस्तों खेत में पानी का ये आखिरी दिन है, बीच में नहर चली गई थी तो दो दिन हमें रुकना पड़ा और अभी जो है आज आखिरी का एक गड़ा रह गया और हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो लेके चलते हैं आपको और दिखा के लाते हैं। और बीच में एक दिन और हम डिले हो गए थे, उसका कारण ये था कि हमारे ट्रैक्टर में हो गया था डीजल ख़त्म और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो डीज़ल ख़त्म होने से इसका जो पंप था वो उसमें एयर आ गई और इसमें क्या होता है ज़रा सा गुंजाइश रहती है, अगर एयर आ जाती है ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये चल रहा है हमारा शूरवीर सूरमा जिसकी तबीयत नासाज हो गई थी और इसमें जो है कुछ खर्च करना पड़ा हमको, ज़्यादा नहीं 500 रुपये का खर्चा आया और ठीक हो गया। और अभी ये चला रहा है अपना पंप, लाइन जा रही है इधर। ये वाला गड़ा रह गया, उस लाइन शिफ्ट करना है, इधर मिला रहे हैं और उधर से पाइप ढोड़ो के वापस ला रहे हैं। तो भाई ये चल रहा है पानी, एक लाइन वो वहाँ पे चल रही, एक यहाँ पे चल रही है और ये आगे वाला, बस यही रह गया है, बाकी सब हो गया है। पानी चढ़ाने का तरीका, पाइप लगा दिया है, अब पहुँच गया, खुल गया। तो ये पानी का कार्यक्रम हो गया संपन्न और अब ये ठंडी हो रही है, इसको गर्म हो जाए थोड़ी धूप में फिर उसके बाद ट्रॉली में रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ खेत में पटक दिए। तो भाई अभी समय आ गया इसको वापस ले जाने का और अब इसको लेके जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चालू होने में दिक्कत दे रहा है। अच्छा इसको करके सेल्फ ले रहा है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, बैटरी भी सही नहीं कर रही है काम। पुल नीचे आएगा वो, अरे ये खोलो इसको, हाँ अब जाए ऐसे हाथ रख ले, ठीक है ना, और जब चालू हो जाए ना तो फट से हटा लेना, हटा रख 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 रख, हटा हटा। बाइक बहुत सारे प्रयास के बाद बैटरी बैठ चुकी है इसकी, ख़त्म हो गई है, मतलब ड्रेन हो चुकी है और अब इसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा ट्रैक्टर से खींच के, उसके लिए पंप खोल दे रहे हैं। चल ऐसे ही खींच के देख ले, हटियो जान दे जान दे, अरुण तनक बैठ के चालू और हो जाए वो, जान दे घुमा ले, ऐसे घुमा ले। कुछ टूट गया आगे कर, आगे शाफ्ट निकाल ही लेंगे वहां से, आगे तो कर यार, और देखिए से टूट तो नहीं गई, हिट गई, अब मुड़ भी तो नहीं रही, पैंट बच गई लगता, बाकी क्रॉस चला गया। अरे कोशिश कर लो, ठंडा हो रहा है, चलो रस्सी बांध लो। जाने क्या समस्या आ गई है, ये चालू होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई डीजल तो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खेंच और क्या, खेंच के हो, और आराम से खींचना है, ज्यादा भगाना मत,
पहले गियर में चल रहे थे धीरे धीरे। उठा आगे देख के आगे। इतने में तो हो जाना चाहिए था। जे ढक्कन खोलना एक मिनट। जो भी खोलो पाना लाइए बोरी उठा के जा रहे हैं आई सर में कुछ पाना देगी। मेरे को तो इसे यही लग रहा है कि यहीं से ये फ्री हो गया है। डीजल भी देखा पंप में डीजल भी सही आ रहा है बट वो हो नहीं रहा है। ये देखो गियर में भी है। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। वाह यार हो गया हो गया। तो थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे इसको खींच के ले जाएंगे और फिर काम करवा लेंगे लेकिन ये हो गया चालू मेहनत के बाद। तो फाइनली अब लेके चलते हैं इसको। लेकिन ये घाटी चढ़ना इतना आसान नहीं है नहर के ऊपर बहुत मुश्किल आने वाली है। उसके लिए फिर से 485 से खींचना पड़ेगा। ओके यही मान लेंगे। और बस ये व्यवस्था आई है हमारे पंप की। हमें स्प्रे करना है। ये देखो पंप वगैरह सब आ गया टक्की आ गई। हम स्प्रे करने वाले हैं क्योंकि हमारे गेहूं में लग रही है माऊ।
अरे वो गई, आराम से रख दो यार, मैं बर्तरफ निकाल लाइय। अरे तैर जाएगी वो ऐसे ही, ये देखो कितना बढ़िया, अच्छा 1000 लीटर घी गया। ले आ गया पंप, तो भाई यहाँ पे जो माऊ की दवाई है वो डालने के लिए हम आए हैं। तो आपको माऊ दिखाता हूँ कि गेहूं में माऊ किस कदर पे जो है नुकसान कर रही है। ये खेत देखोगे, खैर उधर से लाइट पड़ रही है तो सही से समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको माऊ दिखाता हूँ और माऊ का असर दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप ये जो पौधा देख रहे हो, ये देखो ये पीला पड़ रहा है और साथ साथ सूख रहा है ना, ये इसकी ऊपर से ये सूखने लगा और ये पीला पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें माऊ लगी है कहाँ पे, तो इसके अंदर जो है नीचे की तरफ ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो जुए जैसे जो कीड़े आपको रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये माऊ। और ये जिन जिन खेतों में हम पानी देके निपट गए हैं और बतर आ गई है, उन सभी की स्थिति है, आपको हल्का पीलापन आपको दिख रहा होगा। तो भाई इंजन आ चुका है, टंकी आ चुकी है, बस पानी भरना है और इसमें मिलाना है दवाई और करना है स्प्रे। पानी जपा रहा है गोरे, रुक जा चालू मत करो, पाइप दूर कर ले दो, हाथ में पकड़ो, हाँ करो चालू करो, पूरा भिगो दी। ये हमारी 5 की मोटर पानी दे रही है, लेकिन बगल में ही दे रही है, दूर नहीं दे पाती इतना। अच्छा 15-20 मिनट देगी, फिर उसके बाद हो जाएगा काम। हाँ होगा खुल्ला दे शुरू होगा, बस आगे सरकार जाओ। आप पत्थर बांध दो, लटको रहे हो। तो भाई साहब माऊ के लिए हम लोग डाल रहे हैं एमीडा क्लोप्राइड, जो कि है 17.8%, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड है ये डाल रहे हैं, ये स्पेशली गेहूं के लिए होता है। ये आधा लीटर का है, आधा लीटर का जो डोज है वो 8 बीघा में डलेगा, मतलब ये 15-16 बीघा में 1 लीटर डलती है। तो हमने क्या किया, ये जो टंकी है 1000 लीटर की, इसमें 800 लीटर पानी भर लिया है ना, और उसमें एक ही आधा लीटर का ये डाल दिया है, तो ये 8-8 बीघा का डोज हो गया है। और हमने क्या किया, अब इसमें कैसे डालेंगे उसके लिए हमने नप्ती कर ली। अभी जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ से लेके ये मेड़ ऐसी सीड्स में वहाँ तक, वो टपरिया तक, और ऐसी ऐसी नाप ली, ये बराबर 10 बीघा आई, 10 बीघा से जरा सी ज़्यादा। और ये वाला जो टुकड़ा है, इसमें थोड़ी सी चने पिसी ख़राब हो गई थी, ये पूरा 1.5 बीघा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने 8 बीघा जगह जो है इसमें नाप लिए, कि इस गड़ा को छोड़ के लगभग 9 बीघा के आसपास ये जगह बच रही है, उसमें से थोड़ी सी और ये छोड़ सकते हैं। ऐसे करके ये एक टैंक में ये इनको डालना है, फिर उसके बाद दूसरी बार में ये जगह नापी हमने, ठीक है, तो ये वाली जगह जो है 9 बीघा निकल रही है, ये थोड़ी 10 से ज़्यादा निकल रही थी। तो अगली बार में क्या करेंगे, ये लोग इस तरफ डालेंगे, तो ये खंभे के पास में से नाप लिया है, ये 1 बीघा जगह ये बच रही है, ठीक है, ये बचा देंगे मतलब दूसरी बार में। फिर तीसरी बार में वहाँ उस तरफ डालेंगे, तो ऐसे करके ये सब मिला के 8 बीघा उधर बच जाएगी। क्या टूटा, अरे ये क्या किया आप, कैसे चालू होगा दोबारा, चलो इतना तो डालो, भूल चुकी है दवाई। बंद करना पड़ेगा। तो भाई साहब शाम के 5:30 बज रहे हैं और दवाई डालने आए थे, पहले वो ट्रैक्टर ने परेशान कर लिया और अब जाके जो है हमारा ये पंप चालू हुआ है, क्योंकि पहले वो पंप की रस्सी टूट गई, फिर उसको कसा, तो उसमें स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग क्या होता है कि जरा सा भी अगर आगे पीछे होती है ना, तो रस्सी पूरी नहीं कसा पाती, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाने में टाइम लग गया, उसको जैसे तैसे ठीक किया। पर वो नोज़ल जो है, मतलब जो गन है हमारी जहाँ से फायर होना था दवाई, वहाँ पे कचरा अड़ गया, वहाँ से निकल ही नहीं रहा, और पंप स्लिप हो, लोड ले, बंद हो, तो वो ठीक करने में ऐसे करके 5:30 बजे एक टंकी जो है गुली रखी है, इसको तो डालनी पड़ेगी, बाकी का काम कल हो जाना है। तो आज जो है एक टंकी डल जाएगी, कल 2 टंकी और डल जाएंगी, तो ये हो जाएगा पूरा, उसके बाद का काम बाद में करेंगे।
तो जैसे तैसे पंप चालू हो गया और काम हो गया चालू। तो अभी तक जो भी देखा आपने है ना, लाइक कर दो यहाँ तक अगर आ गए हो। और इसी तरह की थोड़ी सी क्या डिले वीडियो आती है, इन दिनों में क्या होता है कुछ एक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। जो लोग कहते हैं रोज़ डालो, तो जब काम चलते हैं तो वीडियो रोज़ भी आती है यार। ऐसा नहीं है कि अपन सुस्त हो गए या फिर अपने को समय नहीं दे रहे हैं, अपन समय भी दे रहे हैं, लेकिन क्या समय तभी दिया जाता है जब काम हो, ठीक है। अब जबरदस्ती अब हर एक खेतों में अपन ट्रैक्टर तो चला नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर जो काम होता है वो हम दिखाते हैं। तो अभी बने रहो वीडियो में, थोड़ा सा और रह गया फिर चलते हैं घर और इस कार्यक्रम को यहीं के समाप्त करते हैं। बाकी फसल देख लो, ये जो जगह दिख रही ना, मैंने बताया था एक वीडियो में कि किसी सज्जन ने जो है, अरे ये क्या हो गया भाई, सनलाइट आ रही है, बिल्कुल सनसेट हो रहा है ना, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो पानी भर दिया था तो ये बीच में इतनी जगह पर अपन ने चने बोए हैं। ओके, ये वाली जो जगह दिख रही ना, ये बाद में गीली हो गई थी तो सूखने के बाद चने बो दिए थे। और देखो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बिल्कुल सनसेट हो रहा है, इसलिए पीली पीली जो कलर मेरे चेहरे पर आ रहा था। और ये पंप चालू हो गया और दवाई का स्प्रे भी चालू हो गया, ये टंकी रखी है और वो चल रहा है। तो भाई ये हो रहा है स्प्रे और सनसेट हो रहा है, देख लो, और सूरज डूबने ही वाला है।